जो आत्मा को परिभ्रमण के दुख से रहित अतिंद्रिय आनंद की प्राप्ति का उपाय बताए वह इष्टोपदेश है। इस ग्रंथ की रचना आचार्य पूज्यपाद अर्थात देवनंदी आचार्य ने की है। इसमें कुल 51 श्लोक हैं। मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार करके इस शास्त्र में शुद्धात्मा का स्वरूप, संसार के दुखों का वर्णन, आपापर का श्रद्धान एवं ज्ञानियों के स्वरूप इत्यादि का सरल व बोधगम्य भाषा में विभिन्न दृष्टांतों द्वारा विस्तार से वर्णन किया गया है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इस शास्त्र पर भाव भाई प्रवचन भी किए हैं, जिनमें से उनके द्वारा गाई गई इष्टोपदेश की गाथाओं का संकलन यहाँ श्री कुंद कुंद कहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई द्वारा सभी जीवों के लाभार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। आत्मभाव यदि मोक्ष पद स्वर्ग है कितनी दूर, दो कोष जो ले चले आध कोष सुखपुर। रसिक जमनांत दीर्घ काल उपलालितम ना के ना को कसम सुख्यम ना के ना को कसा। इंद्री जन्य निरोगमय दीर्घ काल तक भोग स्वर्गवासी देवनी को सुख उन्हीं के योग। आ
वासना मात्रम एवं एतत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा द्वेजयन्तीति भोगारोगाय आपदि। विषयी सुख दुख मानते है अज्ञान प्रसाद, भोग रोगवत कष्ट में तन मन करत विषाद। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मत पुमान पदार्थानां यथा मदन कुद्रवे। मोहकरम के उदय से वस्तु स्वभाव अनुपात, मदकारी को डूब के उषा जगत लखात। पुत्र मित्र घर कन्याम धन रिपवादि पदार्थ, बिल्कुल निज से भिन्न है मानत मुंड निजार। संवसती नगे नगे स्वस्वकाय वशाद यान्ति देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। दिशा देश से आय कर पक्षी वृक्ष वसंत, प्रातः होत निज कार्यवश इच्छित देश उड़न। कथम हंत्री जनाय परिकुप्यति, त्रिंगुलम प्रातयन पद्यम स्वयं दंडेन पाच्यति। अपराधी जन क्यों करे हंता जन पर क्रोध, धूपग मंगुल मैन में आप गिरत बोध। राग देश द्वयी दीर्घ निद्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानातु सुचिरम जीव संसाराब्धो भ्रमति असो। मथत दूध डोरी नीते दंड फिरत बहुवार, राग देश अज्ञान से जीव भ्रमत संसार। पद पद आवर्ती पदी के वाती वायती, यावत तावत भवंती अन्या प्रचुरा विपद पूरो। जब तक ही कवि पद टले अन्य विपद बहु आए, पदी का जीम घट यंत्र में वार वार भरमाए। जैन सुरक्षेण स्वेरेण धनादिनाम स्वस्थम मन्यो जन
गोपी ज्वरवानी सर्पिषा। कठिन प्राप्त संरक्षये नश्वर धन पुत्रादि इनसे सुख की कल्पना जेम घृत से ज्वर व्याधि। विपत्ति आत्मनो मुंड परेशान न इक्षते दह्यमान मृगा किरण वनांतरम तरोस्तवत। पर की विपदा देखदा अपनी देखे नाय जलते पशु जावन विषेन जड़ तरु पर तोराय। आयो वृदीक्षयो तुष्टर्षयितुं कालस्य निर्गमं वांछतां धनीनां इष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। आयु क्षय धन वृद्धि को कारण काल प्रमाण चात है धनवान धन प्राण नीते अधिकार। त्यागा स्त्री से वितम वितम संचिनोती स्वशरीरम च पंकेन स्नाश अमिति विलिपंती। पुण्य हेतु दानादि को निर्धन धन संचे स्नान हेतु निजतन कुदी कीचड़ से लिपे। आरंभे ताप क्रांत प्राप्त अतृप्ति प्रतिपादकां अन्ते सुदुष्संजान कामान कामं कंसेवते सुदी। भोगार्जन दुखद महा भोगत तृष्णा बाद अंतत जत गुरु कष्ट हो को बुद मोगत गाड। भवंती प्राप्यत संगम असूचिनी सुचिन्यपि सकाय संतप अपाय तत् अर्थ प्रार्थना व्रता। सूची पदार्थ भी संगते महासूचि हो जाय विघ्न करण नित कार्य भोगी साधिपलाय। यत दिवस उपकाराय तद्यश उपकारकम् यत दिवस उपकाराय यत दिवस उपकारकम्। आत्महित जो करतु है सो तन को अपकार जो तन का हित करतु है सो जीव को अपकार। चिंतामणि दिव्य खंडकम ध्यान चीव लभे
का इंद्रितम विवेकिनो। कीत चिंतामणि है महत उत फल टूक असार, जानो वह यदि देत बुध किस्तो मानत सार। संवेदनम सुव्यक्तम तनु मात्र निरत्यय अच्यन सूक्ष्म अनात्मा लोकालोक विलोकन। निज अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण, लोकालोक निहारता आत्मयति सुखवान। संयम व्यकरण ग्राम एकाग्रतेन चित आत्मानं आत्मवान अध्यायेत आत्मनैव आत्मनि स्थितम्। मन को कर एकाग्र सब इंद्रिय विषय मिटाय, आत्मज्ञानी आत्म में निज को निज से जाय। अज्ञान उपासी तो अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, ददाति यत्तु यस्यस्ति सुप्रसीदम इदं त्वत्। अग्न भक्ति अज्ञान को ज्ञान भक्ति दे ज्ञान, लोकोक्ति जो जो धरे करे सुता को दान। परिषादि अभिज्ञानाशास्त्रवस्य निरोधिनी, जायते अध्यात्म योगे कर्मणां आसु निर्द्रा। परिषादि अनुभव बिना आत्म ज्ञान प्रताप, निद्रस संवर निद्रा औद कर्म किया। कर्ता हूँ इति सबंध ख्याद द्वयो द्वयो ध्यानं धीयं यदात्मै सबंधं कीदृशं तदा। कटका में करता रहूं यह द्वेष सबंध, आप ही जाता दे जहां कैसे भिन्न सबंध। बद्धति मुच्छति जीव सममो निर्ममम क्रमात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तये। बाधत कर्म को निर्मोही छूट जाए, या से गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजा। संयोग जा भावा मत सर्वेपि सर्वथा।
निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगी गम्य, कर्मोदय से भाव सब मोटे पूर्ण गम्य। दुख संदोह भागित्वम संयोगात् देहिनां गज्यामेन सतत सर्व मनोवा काय कर्म भी। प्राणी जा संयोग ते दुख समूह या ते मन वच कायु तो सर्व त्वजात। नमे मृत्यु कुतो भेति, नमे व्याधि कुतो यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवा एतानि पुद्गले। मरण रोग मोह में नहीं काते सदा निशं, बाल तरुण नहीं वृद्ध ये सब पुद्गल अंक। भोक्त उजिता मुहु मुहम मया सर्वे की पुद्गला, उद्देष्ट ही उच्चेष्व अद्य मम विघ्नश काक्रा। समुद कर को मोहते भोग भोग कर प्यार, मैं ज्ञानी करता नहीं उपदिष्ट मेरा। कर्म हिता बंधी जीवो जीव हित स्व प्रभाव भूयस्त्री स्वार्थ को वांछती। कर्म कर्म हितकार है जीव जीव हितकार, निज प्रभाव बल देख कर कौन स्वार्थ करता। परोपकृति सर्जन सहुकार मरुभ उपकुर्वन पर श्रद्धियों दर्शनान श्लोक। प्रगट यन्य देहादि का मुंड करत उपकार, सज्जन वत या भूल को तज कर निज उपकार। गुरु उपदेशात व्यासात संविते स्वपरंतरम, जानाती असजानाती मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरुपदेश अभ्यास से निज अनुभव से भेद, निज पर को जो अनुभवे लय सुख बेखेद। स्वस्मिनं सत् अभिलाषित्वात् अभीष्ट ज्ञापकत्वत् स्वयं ही प्रयोक्तृत्वात् आत्म एव गुरु आत्मनः।
आप ही निज हित चाहता आप ही ज्ञाता हो, आप ही निज हित प्रेरता निज गुरु आप ही हो। मूर्ख न ज्ञान हो सके, ज्ञानी मूर्ख न हो, निमित मात्र पर ज्ञान जिम गति धर्मते हो। विक्षेप एकांति तत्व संस्थित अभ्यस्त इति अभियोगेन योगी तत्व निजात्मना। शोभरहित एकांत में तत्व ज्ञान चित्तसाय सावधान हो स्वरूप को भाई। यथा यथा समायाति संवितो तत्त्वमुक्तम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जस जस वाचम तत्व में अनुभवाता जाय तस तस विषय सुलभ भी ताको नहीं खुआय। यथा यथा न रोचते विषया सुलभायपि तथा तथा समायाति संवितो तत्त्वमुक्तम्। जस जस विषय सुलभ भी ताको नहीं सुहाय तस तस आत्म तत्व में अनुभव बढ़ता जाय। निशामयति निशेषेन्द्रियालोकम् जगत् प्रहत्वात्मलाभाय गत्वा नत्रनु तत्कति। इन्द्रजाल समदीर्घ जग निज अनुभव रुचिवार अन्य विषय में जात यदि तो मन में पश्चात। इच्छयन्ति एकांत संवासम निर्जनम सनिप्यादर निज कार्यवशाद किंचित विस्मृति द्रुतम्। निर्जनतायादर कर एकांत स्ववास विचार निज कारज वश कुछ कहे भूल जात उतवार।
कुर्वन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति आत्मतत्त्वसु पश्यन्नपि न पश्यति। देखत भी नहीं देखते बोलत बोलत नाई दृढ़ प्रतीत आत्ममयी चालत चालत नाई। कस्य कस्मात् विशेषयन् स्वदीयमपि न वेति योगी योगपरायणम्। क्या कैसा किसका किसमें कहा या चम राम सज विकल्प निज देह न जाने योगी निज विश्राम। यो यत्र निवास यास्ति स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमति तस्मात् नत्र स न गच्छति। में बसता रहे सोता में रुचि पाए दूजा में रम जात है छोटा तज नहीं जाए। अगच्छन्त तद्विशेषाणां मनभिज्ञश्च जायते अज्ञानात् तद्विशेषो बध्यते न विमुच्यते। वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान स्वात्मनिष्ठता से छुटक नहीं बंधता गुणवान। पर पर ततो दुखम आत्म एव आत्मा तथा सुखम अतएव आत्मानं तत्निमित्तं कृत उद्यमान। कर पर ताते दुख हो निज निज ही सुखदाय महापुरुष उद्यम किया निज हितार्थ मन लाए। न जातो जन्तो सामीप्यं चतुर्गतिषु मुञ्चति। उद्गल को निज जान कर अज्ञानी रम जाय चतुर्गति में सासंग को उद्गल नहीं तो जाय। आत्मानुष्ठान इष्टस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कच्चिद् योगेन योगिनः। ग्र
ग्रहण त्याग से शून्य जो निज आचम लवलीन योगी को ज्ञान से कोई परमानंद नवीन। आनंदो निर्दहति उदतम कर्मेन्धनम अनारतम न च सौखिजते योगी बहिर्दुखेषु अचेतनः। निजानंद नित दहत है कर्म काशय अधिकाय बाह्य दुख नहीं वेदता योगी खेद न पाए। अविद्या विदुरं ज्योति परम ज्ञानमयम् तत्प्रष्टव्यं तद्दृष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मोक्षोभिः। पूज्य विद्या दूरय ज्योति ज्ञानमय सार मोक्षार्थी पूछो चो अनुभव करो विचार। जीवो अन्य उद्गवाच्यन्य इति असौ तत्व संग्रह यत् अन्यत् उच्यते किंचित् स्वस्तु तस्येव विस्तर। उपदेशम इति सम्यक अतिमान मान अपमान समताम सुमता वितन मुक्ताग्रहो विनिवस स्वजने वनिवा मुक्ति श्रियम निरुपाम उपयाति भव्य। ईष्टरूप उपदेश को पढ़े सुबुद्धि भव्य मान अपमान में सान्यता निज मन से कर्तव्य। आगरा छोड़ स्वग्राम में यावन में सुबसे उपमा रहित स्वमोक्ष श्री निज कर सहज ले।